हाय गाइस, मैं हूँ सागर साहू और आपको तो मैं कौन हूँ आपको पता है। मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल प्लेस स्मृति चैनल। तो बेसिकली आज का जो जर्नी होने वाला है गाइस, तो हमने अभी लॉन्ग वीकेंड जो प्लानिंग है कि आज है अगस्त 15, 16, 17, 18, 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड का छुट्टी है, तो हम जाएंगे अभी घूमने के लिए। तो अभी बेंगलुरु से जर्नी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे का जो टूर है, हम कल मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे गाइस मदुरई में। मदुरई में पहले जाके एक्सप्लोरिंग करेंगे, उसके बाद मदुरई से कौन सा स्टॉपेज में जाना है फिर से मैं आपको उधर से मैं बताऊंगा। तो चलते हैं बिना देर करके, अभी जाने को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो टाइम लगभग हो गया 7:45 PM नाइट का, एंड अपना जो ट्रेन है गाइस तो 9:30 में SMBT स्टेशन से। तो अभी हमने ओला बुक कर चुके हैं, तो अभी जाएंगे, निकल लेंगे एंड जाके स्टेशन पे मिलते हैं गाइस। तो चलते हैं बाय। तो दोस्तों अभी अपना जर्नी स्टार्ट हो गया था एंड हमने पहले से ही कैब बुक करके रखे थे, जो कि अपना ओला आ गया था। एंड अभी हमने माराथली से रवाना हो चुके थे। अभी अगस्त 15 तारीख था, इसलिए ये इंडिपेंडेंस डे के चक्कर में, ये आपको तो पता है कि माराथली लोकेशंस में जो KLM मॉल है कितना खूबसूरत दिख रहा है, वो लाइटिंग के लिए तो पूरा फेमस है। तो वो भी झलक मैंने आपको दिखा रहा हूँ। एंड अभी अपना एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि जर्नी को स्टार्ट करना है एंड घूमना है। लॉन्ग वीकेंड है अभी, जो 3 दिन है। तो फाइनली अभी पूरा माराथली मार्केट में विजिट करवा के आपको दिखाया, एंड देखते देखते मैंने अभी आके पहुंच चुका हूँ SMBT रेलवे स्टेशन। एंड कुछ ही पल के बाद ही मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा एंड पूरा जो SMBT रेलवे स्टेशन का व्यू होगा इसमें आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको वेजिंग देखने मिल जाएगा, आई लव बेंगलुरु। एंड ये जो SMBT बेंगलुरु का ये जो रेलवे स्टेशन है, बहुत शानदार स्टेशन है, बहुत खूबसूरत स्टेशन है। बेंगलुरु पे जितना 7-8 प्लेसेस है, लेकिन SMBT एक फेमस एंड एक बिजी रेलवे ट्रैक है एक्चुअली। तो दोस्तों टाइम लगभग हो गया 9:30 PM एंड हम अभी आके पहुंच चुके थे SMBT रेलवे स्टेशन का इन साइड में। एंड अभी अपना ट्रेन भी आधा घंटा डिले में चल रहा था, तो हमने ये खड़ा होने के टाइम पे बहुत सारा ट्रेन भी क्रॉस किया था, क्योंकि एक बिजी रेलवे स्टेशन में आपको झलक भी दिखाया। एंड देखते देखते अपना जो ट्रेन बुक किया था हमने, वो भी ट्रेन आ गया कि मुंबई तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। फाइनली बहुत समय के बाद अभी अपने सामने है ट्रेन एंड हम अभी चलेंगे, अपना जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ये जर्नी के लिए हमने बुक किए थे स्लीपर क्लासेस का टिकट, जो कि ओनली 450 to 500 किलोमीटर्स का जर्नी था गाइस, ओनली फॉर वन नाइट। एंड अभी अपना जो सीट भी बुक हुआ था S5 कोचेस के अंदर। एंड सोच के ही हमने एक्चुअली स्लीपर का बुक किया था, क्योंकि जल्दी में ही थोड़ा सा बुक किया था तो और बाकी टिकट्स भी नहीं मिला था। एंड देखते देखते टाइम हो गया 10 PM नियरबाई, एंड अभी हम रवाना कर चुके थे SMBT रेलवे स्टेशन से। थोड़ा सा एक्साइटमेंट मन पे था, क्योंकि फिर सुबह एक न्यू जगह पे पहुंच जाएंगे तमिलनाडु में, एंड एक्सप्लोरिंग करना है मदुरई गाइस। तो अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर एंड मैं दिखाऊंगा ये स्लीपर क्लासेस का अंदर में कैसा देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था, मैंने अभी गेट के पास भी खड़ा था, तो अभी चल रहा हूँ स्लीपर क्लासेस के अंदर। ये था कुछ स्लीपर क्लास का इनसाइड का व्यू गाइस। सारे 10 PM हो चुका था, सारे लोग अभी सोने के लिए रेडी हो रहे थे, कोई कोई डिनर भी कर रहा था। यहाँ पे बैठे हुए हैं सागर भाई एंड बस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। एंड गुड मॉर्निंग गाइस, देखते देखते मॉर्निंग एंड हमने मॉर्निंग में स्वागत कर रहे हैं डिंडीगुल रेलवे स्टेशन से। खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन था, मॉर्निंग का व्यू, हमने थोड़ा सा फ्रेशअप भी हो चुके थे। एंड अभी हमने जो पहुंचने का टाइम था मदुरई में गाइस, करीब 9 AM पे हमको पहुंचाना था एंड अभी हुआ था मॉर्निंग का 7 AM। तो अभी 2 घंटे अपने पास है, हम जाएंगे थोड़ा सा ट्रेन पे ब्रश फ्रश कर लेंगे, और क्योंकि अभी उतरने के बाद अपने पास लिमिटेड टाइम रहेगा ताकि हम पूरा डे विजिट कर लें। क्या घूमना है क्या नहीं घूमना है तो मैंने आपको उसी के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि थिंकिंग करके गए हैं और विजिट क्या करना है वो ऑन द स्पॉट में ही देखने के लिए मिलता है गाइस। खूबसूरत जर्नी देखिए एंड आप भी ये जर्नी का मजा लीजिए गाइस। गाइस गाइस गुड मॉर्निंग अगेन एंड अभी हमने पहुंच रहे हैं मदुरई रेलवे स्टेशन पे। फाइनली फर्स्ट रेल जर्नी यहीं पे खत्म होता है एंड अभी कुछ ही पल के बाद हमने पहुंच जाएंगे एंड उतर जाएंगे अभी रेल से एंड जाके फ्रेशअप करना है, फिर जाके एक्सप्लोरिंग करना है। तो चलते हैं गाइस। तो ऑल सेट गाइस, हमने ट्रेन से उतरने के बाद फ्रेशअप भी हो चुके थे एंड अभी हमने आके पहुंच चुके थे मदुरई रेलवे स्टेशन का आउटसाइड में। तो फाइनली गाइस मैंने आके पहुंच चुका हूँ मदुरई जंक्शन के पीछे। तो अभी लगेज हमने रख चुके हैं, तो अभी जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल विजिट करने के लिए। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी टेम्पल जाने से पहले हमने थिंकिंग की कि पहले जाके टिफिन करेंगे,
ताकि कितना भी डिले होने दो दर्शन पे कुछ भी टेंशन नहीं लगेगा। तो हमने अभी आके पहुंच चुके थे रेस्टोरेंट पे एंड यहीं पर जो मदुरई का फेमस था डोसा साउथ इंडियंस का वही मंगा के हमने खाए हैं एंड अभी निकल चुके हैं कि मंदिर मीनाक्षी टेम्पल विजिट करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मदुरई में जब हमने आके पहुँचे इतना ही क्लाइमेट हॉट था एंड मैं आ रहा था बैंगलोर से, बैंगलोर का क्लाइमेट एंड मदुरई का क्लाइमेट बिल्कुल बहुत ही डिफरेंस है। एक ठंडा सा क्लाइमेट से आके जैसे ही पूरा धूप में ही हमने पहुंच गए मदुरई में, बहुत ही गर्मी अनुभव हो रहा था हमें एंड फाइनली लेकिन हमने आके पहुंच चुके थे मंदिर के सामने एंड मंदिर बहुत से आउटसाइड से खूबसूरत दिख रहा था एंड हमने अभी आके पहुँच रहे थे नॉर्थ साइड गेट के पास। एंड अभी ये तो मैं बता नहीं सकता था कि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड है कि नहीं है, लेकिन उससे पहले जितना भी है गाइस मैंने आपको ये भी दिखाने के लिए कोशिश करते रहूँगा। एंड स्लाइडली यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोबाइल्स आर नॉट अलाउड टू द टेम्पल, सो वी आर श्योर कि हमने यहाँ पे रखना है, जमा कर देना है। एंड फाइनली हमने मैं मंदिर जाके विजिट करके भी आ गया एंड मैं सारे कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था। तो दोस्तों ये जो मंदिर में पहले विजिट करने के लिए गया, आउटसाइड से देखने के लिए तो उतना भीड़ नहीं था, लेकिन जब मैंने अंदर गया बहुत ही भीड़ था। तो करीब करीब 5 आवर मुझे लग गया दर्शन करने के लिए। तो अभी दर्शन करने के बाद मैंने अभी आके पहुंच चुका हूं नायक प्लेस, जो ये है एक वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में, ये तो बोर्ड लगा हुआ था कि है। तो अभी देखते हैं इसी के अंदर जाएंगे क्या है सीन, अभी देखने के लिए जाएंगे एंड आपको भी दिखाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। एंड ये जो गाइस मैंने ये मॉल में आया हूँ तो इसका जो एंट्री कॉस्ट है 20 रुपीज़ है पर हेड, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी का दिक्कत करना पड़ा था कि एक्चुअली यहाँ पे क्यूआर कोड में मनी लेते नहीं एंड उन लोग के पास भी चिल्लर भी नहीं रहता नहीं, तो इसी का चक्कर में हमको वेट करना पड़ा करीब आधा घंटा ओनली फॉर 100 रुपीज़ का चेंजेस करने के लिए। ये जो नायक मॉल है ये देखने के अंदर में इतना ऐसे ही दिख रहा है एंड खूबसूरत सा व्यू है बस। एंड मदुरई में गाइस उतना भी सीन्स नहीं है कि आप आओ पूरा डे भी विजिट करो, क्योंकि हमने जितना सारा प्लेसेस पे गए विजिट करने के लिए सारा टेम्पल्स एंड सारे जो गूगल के सब जितना सारा विजिटिंग पॉइंट था सारा कुछ बंद ही दिखा रहा था। तो वन टाइप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि मैं इतना सारा जगह विजिट किया था, ऐसे नहीं हुआ था कि जो भी पॉइंट्स पे जाओ एंड वो पॉइंट बंद है अभी, तो वही थोड़ा सा था। एंड बस मदुरई आ रहे हैं तो मीनाक्षी टेम्पल ही एक फेमस सा स्पॉट है एंड तो अगर आप भी पूरा डे स्पेंड करने के लिए मदुरई आए तो ये बिल्कुल थिंकिंग मत कीजिए ताकि उतना भी प्लेसेस नहीं कि विजिट करने के लिए। एंड ये जो तिरुमलई नायक पैलेस था तो ये इनसाइड में एक राजा का कुर्सी लगा हुआ था जो कि सारे लोग फोटो कैप्चर कर रहे थे एंड आउटसाइड का व्यू एंड इनसाइड का व्यू भी नियर बाई सारे लोग ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे एंड क्योंकि ज़्यादा भी घूमने के लिए प्लेसेस नहीं है। ये था तिरुमलई प्लेस का हिस्टोरिकल चीज़ जो कि मैंने आपको बोर्ड के हिसाब से दिखा रहा हूँ। एंड बस ये देखने के बाद हमने थोड़ा सा चले जाएंगे एंड हाँ गाइस और एक चीज़, अभी इधर से अभी जो रिटर्न ट्रेन अभी बुक किए थे हमने, अपना ट्रेन जो है करीब 11 PM में नाइट में, तो हमने थिंकिंग किए कि अभी ये लेक के पास आके बैठे हैं थोड़ा सा, जो कि टाइम हो गया था 5 PM एंड अभी हमने थिंकिंग किए कि 3-2 आया है देखने के लिए, तो चले जाएंगे मूवी हॉल पे एंड इसी के लिए हमने PVR टिकट का भी बुक किया हूँ। एंड ये था कुछ लेक का व्यू एंड लेक थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग रहा था, हमने सोचा था कि बीचों में जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा विजिट करेंगे, लेकिन ये भी एंट्री नहीं था गाइस, तो ये जो लेक का व्यू पॉइंट था मैंने आउटसाइड से ही दिखा दिया। फाइनली हम चले जाएंगे अभी PVR मॉल के अंदर एंड जाके 3-2 का एंजॉयमेंट करेंगे एंड 3-2 एंजॉयमेंट करने के बाद अभी हो जाएगा रात। अभी हमने आके पहुंच चुके थे PVR मॉल के अंदर जो कि मदुरई में एंड मदुरई तमिलनाडु में भी एक हिंदी मूवी चल रहा है गाइस। अभी हमको टाइम स्पेंड करना है तो कैसे भी तो करके करना है ना गाइस, तो डे ओवर गाइस। तो अभी फाइनली फिर से अभी रिटर्न जाने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा जो जर्नी स्टार्ट हो रहा था कि हम अभी निकल के जा रहे थे मदुरई टू जो कि है त्रिवेंद्रम जो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए हमने रवाना हो चुके थे। तो मैंने गाइस आपके साथ फिर से मिलूंगा एक न्यू ब्लॉग में जबकि हमने पहुंच जाएंगे तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के जगह पे। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल को कौन कौन अभी देखे हैं प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरा ये जो ब्लॉग कैसे लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए ताकि मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा।